हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि पिछले 3 से 4 दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं किया। उसकी एक वजह तो ये थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और फिर ज़ियाउर रहमान आया हुआ था मेरे पास। ज़ियाउर रहमान ने आज वापसी भी करनी है। ज़ियाउर रहमान जो आया था तो ज़ियाउर रहमान की भी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से हमने ना कोई शुगर मेला लगाया, ना हम कहीं जा सके, ना हमने कोई व्लॉग किया। तो आज ज़ियाउर रहमान ने वापस चले जाना है। आज काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बेहतर है, ज़िया की भी और मेरी भी। तो मैंने सोचा कि 3-4 दिन गैप के बाद आज व्लॉग करना चाहिए। छुट्टी होनी नहीं चाहिए, वैसे मज़ा नहीं आता फिर व्लॉग का। बस अभी तकरीबन 8:15 हो गए हैं सुबह के। मैं जागा भी थोड़ी देर पहले ही था। बस अभी नाश्ता करते हैं और ज़ियाउर रहमान नहा ले, उसके बाद फिर ज़ियाउर रहमान से भी आपको मिलवाते हैं। खैर आज उसको कहना तो हमने गुड बाय है। अभी थोड़ी देर में, आधे पौने घंटे तक ज़ियाउर रहमान चला जाएगा यहाँ से। खैर आज का व्लॉग, आज के दिन की जो भी एक्टिविटी होगी वो करते हैं जी आपके साथ शेयर इंशाल्लाह। जुड़े रहें व्लॉग एंड तक देखा करें। और सबसे जो डिसअपॉइंटिंग चीज़ है ना, वो ये कि आप लाइक नहीं करते यार। लाइक लाजमी किया करें, क्योंकि लाइक करने से ये यूट्यूब की एक क्या कहते हैं, एक एल्गोरिदम है। जो वीडियो को आप लाइक नहीं करते तो फिर यूट्यूब वीडियोस लोगों के सामने लाता ही नहीं है। मतलब रिकमेंडेशंस में ही नहीं आती वीडियोस। जब रिकमेंडेशंस में नहीं आती तो फिर व्यूज़ नहीं आते बिल्कुल भी। कम से कम अगर वीडियो पे आया करें तो यार कम से कम लाइक तो लाजमी कर दिया करें, आपकी ऐन नवाजिश होगी। इतना कावड़ा क्यों करें? तैयारी कर गई देवी फाइनल, मतलब नाश्ता गिन ना ठीक है, नाश्ता करना है। नाश्ता कर गई ते नाश्ते के बाद इंशाल्लाह लजीज ज़ियाउर रहमान मेरे ख्याल तक आज वापसी कर गई। मैं बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही बिल्कुल ज़ियाउर रहमान आज वापसी करनी। ऐसे कोई शुगर मेला को नहीं लाया जरण ज़ियाउर रहमान है, क्योंकि ज़ियाउर रहमान है इन दी मतलब इन तबीयत खराब है, इन तबीयत खराब है ते नाल थोड़ी थोड़ी मेरी भी डाउन है। ऐसा कोई शुगर मेला कोई हल्ला गुल्ला को नहीं किया, यकी दिमाग रखे सुते रह गए इन लू खरने ते मतलब बिल्कुल बोरिंग किस्म का सीन है। बस कोई ब्लॉग ऐसा को नहीं किया। अज मैं यार कम अज़ कम ज़ियाउर रहमान अज मैं पे आज लाजमी व्लॉग करा। व्यूअर्स ये नाश्ते से ना, दही ते पराठे जवान मन ठीक है? यस कबूल है, जबरदस्त कबूल है, कबूल है, कबूल है। ओके तेरा निकाह कौन थी ना? चलो जी तय आ चुकी है नाजरीन। नाश्ता मैं तो नाश्ता करके दे ज़ियाउर रहमान थोड़े बंदे स्लो, एक टाइम लगता है नाश्ते से। तकरीबन एक आने पिया 1 घंटा 35 मिनट बह लग से ना लीजिए नाश्ते से। ये 1 ग्राम बने रहते मैं 1 रोटी खा बैना। इतना रही थी दही आने तक फूल बच्चे पियो, देखो रोटी जान के अंदर रखी मैंने नहीं खाता भाई। बहरहाल नाश्ते के बाद, नाश्ते के बाद जो चाय नहीं पीता वो हमें से नहीं। नाश्ते के बाद चाय नाजरीन लाजमी पीनी चाहिए। तुसा भी पीती करो, मैं तो वैसे ही पीना रहना। ज़ियाउर रहमान भी आज पीसी। वैसे ज़ियाउर रहमान की बहुत ज़्यादा चाय लवर को नहीं ये ना जा या हाँ मतलब नशे ही कौन है वैसे, मतलब नशा ही है लेकिन चाह तो नशा ही कौन ही, चाह तो नशा ही कौन ही। अरे वो नाजरीन बीच मच्छर मांझ पे इधर देखो, ये हुने हुने ताज़ा डट्ठे मोया के गर्म चाय है ना, की मैं कड्डा हूँ देखिए उत्तो आप मतलब इधर भाई मैं चीजें अंगल ना कर अंगल गरम न थी होगी बस ये मलाई दुख से उतर आप ये मक्का है ना मक्की की मजा ये हम पता नहीं पीवनी चाहिए थी ना है वो कोई मशवरा दे ये हम पीवनी चाहिए थी ना वो पी इंदर पे जन नादरी ने हम पीवनी ही बोसी क्योंकि चाय वापस करना कूफ रहे को वापस लुटाना ये जायज ही कोनी यानी शरई तौर पे ना पसंदीदा हमारे
अच्छा जायका अच्छा बन गया पहले। नाजरीन असा ये माइक भी चेक करेंगे पे, मैं भी लिखना इतना अपने माइक इन जगह पे, वहीं माइक एट अ टाइम काम करने जाना, ये भी चेक करेंगे पे तो वीडियो भी बनाते पे। अल्लाह खैर करे सी जय और मैं कार स्टार्ट की थी खड़े, पता नहीं कार चेक तो इवें करता पे जिम्मे मकैनिक हो, हालांकि कोई पता कशे नहीं लगता। असं सिर्फ बेसिक चेक करनी होनी पानी शानी पे। चलो ठीक है, पानी किमें चेक करना, चख के पानी मीठा चखना नहीं होता ना, उनका लेवल चेक करना होगा। अच्छा लेवल किथे लेवल लिखा? मैं फिलहाल इन सिर्फ वाइपर का पानी चेक करने जाता हूं। अच्छा वाइपर का ते इन दे विच कूलेंट खता है रेडिएटर दे विच। अच्छा उनका लेवल फुल है। अच्छा बाकी मोबाइल में होने चेंज करवाया हूं। इन वैसे वो पानी किथा होंदे वो इया वाला कूलेंट वाला? हां कूलेंट वाला रेडिएटर की कैप ए है। हां कूलेंट का बोतल ले के खड़ी है। अच्छा किस नाल घटना पंदे देखो ना। अच्छा ये तो बड़ा ओखा मरला है यार। नहीं नहीं सारे कारण तो सामने होने रे। हां सामने होने वैसे उन मैं को भरा हने तेरी लोथिया बता। अच्छा नमन कूलेंट पा के था 30 साल भराई। हां देखे इथू व्हील नजरिन टेढ़ा थी गए नजर दा पे। ए जावर मान दसिया पे भी उन बार मियां वाली वाली साइड तो आंदे पे से ते अचानक बहु गंदा जाम पा के जेंदे परूं जेने विच कार ढठी है ना ते ए व्हील टेढ़ा थी गए। ओके गेट खोल गाल सुनना पैंदा छ माइक तो वापस कर। आखिरी पैगाम मेरे व्यूअर्स वास्ते कोई आखिरी पैगाम, आखिरी मतलब जिंदगी दा आखिरी ना, अल्लाह तक लंबी जिंदगी देवे। कोई बस सब्सक्राइब कर छोड़ो चैनल को, लाइक ना करें ते लाइक आपने आप कर दे सेंगे। चलो लाइक भी नाल पहले लाइक कर दियो, सब्सक्राइब नहीं वे किता तो कर दियो बस। ठीक है ये मेरा आखिरी पैगाम। ठीक है गुड बाय, मिलते हैं जन्नत में इंशाल्लाह कयामत वाले दिन। नाज़रीन ज़िया रहमान तो मैंने पे ते मैं तुसे माइक लाए चेक करो जी देखो एक उत्तु माइक एक तलो वैसे तलमा मैं ऑफ किया हुए तलमा माइक मैं ऑफ किया हुए ज्यादा खेल ना। ओके जी बाय। ओके अल्लाह हाफिज। ओए माइक दे उत्ते अल्लाह हाफिज कर दी, थोड़ा जहा गैप रखना चाहिए था इधर। नाज़रीन अल्लाह हाफिज मेरी तरफ भी शोरकोट वाले पासों मत बनया है। तू अगर मैं कुछ स्पॉन्सर कर तो मैं आज आ पया इस्लामाबाद आने का पैसा लगता है नाजरीन, इवें थोड़ी बंदा पहुंच जाए इस्लामाबाद। तू मेरे को अगर 15,000 ही भेज देना मैं कल सुबह इस्लामाबाद हो सा। ठीक ठीक। अच्छा ज़ियाउर रहमान तो भाई चला गया था सुबह, उसके बाद फिर मैं अपने डेली रूटीन वर्क में लग गया था। 5:36 अभी टाइम है चक्कर लगाने का यहाँ पे। ये वाला जो टाइम होता है ये फिर थोड़ा बहुत देखभाल करनी होती है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, काम सही से हो रहा है, बकरियों ने खाना खा लिया है, बड़े जो गाय भैंसें खड़ी हैं इन्होंने खाना खा लिया या नहीं, ये सारी चीज़ें देखने में इस टाइम आता हूँ। अभी ये सारी मेरी तरफ तवज्जो से खड़ी हैं, बड़ी जैसे मैंने कोई खिताब करना हो इनसे। सीधियाँ थी वो आवनो सारी आवनो। आज तो इन्हों को पता है अभी आज कशे को नहीं। वाह क्या बात है, लगता है बकरियां सियाणियां थी गई, मतलब इन्हों को पता है इतने वाकई कशे को नहीं। अगे तो मैं चढ़िया ना उत्ते कैको आवाज आने का बने खोती लभी है, खोती लभी है नाजरीन सारी खोती गाल गई है, मतलब खोती ते गुम थी गई है, नहीं लभदी पता नहीं किधे गई है, पता नहीं कोई खोल गए पता नहीं किधे गई, कोई पता नहीं। कितना कितना रिठी आवे खोती? अच्छा कहीं पूछा आई कहीं रिठी हो मता नेड़े तेड़े
ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਸ ਦੋ ਆਈ ਜੀ ਬਸ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦਾਸ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕਾਇਨ ਦਾਸ ਪਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੇ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਡਿੱਠੀ ਆਈ ਹਾਂ ਕਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਡਿੱਠੀ ਆਈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆਂਦਾ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਮੁਜਰਮ ਕਸੂਰਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਵੇ ਜਲੇ ਸਿਮਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਚਲੋ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮਿਲ ਵਣੇ ਫੋਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰੇੜੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਥੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਘਾਹ ਸ਼ਾ ਕੱਪ ਕੇ ਖਿੰਨ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਹਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੋਤੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਖੋਤੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਆ 40,000 ਦੀ ਖੋਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਗਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥਾਂ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਓਏ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਨ ਖੇਡ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਭੀ ਮੈਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਨੇ ਅੰਮੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਕੇ ਘਰ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਕੇ ਘਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅੰਮੀ ਕੋ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਸੇ ਉਠਾਨਾ ਹੈ ਤੋ ਬਸ ਕੰਮ ਮੁਝੇ ਹੋਤਾ ਯਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬੇਗਮ ਕੋ ਉਠਾਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅੰਮੀ ਕੋ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹ ਭਾਗ ਜਾਤੀ ਹੈ ਬਸ ਅਭੀ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਹੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਆਤਾ ਹੂੰ ਉਨਕੋ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਯਹੀ ਰੂਟੀਨ ਹੋਤੀ ਹੈ ਡੇਲੀ ਕੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਥੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਹੁਣੀ ਪਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀਰ ਨਾਲ ਦਿਲ ਜੋ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ Good view. गाइस यार मैं जो है ना कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ मेरी सारी रूटीन डिस्टर्ब हुई पड़ी है बस मुझे मतलब इसलिए मैं ब्लॉग्स भी नहीं कर पा रहा सही तरीके से आज के ब्लॉग बहुत ही शॉर्ट ही मैंने बनाया बहुत और बस आप लोग दुआ करें मेरे लिए कि सब ठीक हो जाए उसके बाद इंशाल्लाह कोशिश करूँगा डेली या एक दिन छोड़ के ब्लॉग्स आते रहेंगे लेकिन आप लोग मेरे लिए दुआ लाजमी करें कि बस थोड़ा सा जो है ना वो ज़हनी सुकून मिल जाए थोड़ा मैं फ्रेश हो जाऊं। अभी बस ऐसा समझ लें कि टेंशन उन्हें घेरा हुआ है टेंशन उन्हें मतलब एक टेंशन गई दूसरी आ गई दूसरी गई तीसरी आ गई बस ये हालत हो रही है खैर आज के व्लॉग बस इतना ही मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी वीडियोस को लाइक भी करेंगे और मेरी वीडियोस देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे अगर आप लोगों ने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक मुझे चाहिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़